वहीं मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग आदिवासी समाज को भगवान राम का नाम याद दिलाने के लिए आदिवासी इलाकों में रामलीला का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ खास रहेगा। एमपी में राम नाम का जाप, आदिवासी इलाकों में रामलीला, संस्कृति विभाग करेगा आयोजन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राम नाम की धुन सुनाई देगी। प्रदेश का संस्कृति विभाग आदिवासी इलाकों में रामलीला का मंचन करने की तैयारी कर रहा है। इस रामलीला का मकसद आदिवासी समाज के भगवान राम के साथ जुड़ाव को और मजबूत करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में ही रामलीला निरंतर इस देश में होती ही आई है और संस्कृति विभाग इसका आयोजन निरंतर करता ही आया है। इस बार जनजाति क्षेत्र के बच्चों को भी अभिनय के लिए इसमें चुना गया। संस्कृति विभाग इन रामलीलाओं में शबरी, केवट और निषाद राज के चरित्रों के जरिए ये बताने की कोशिश करेगा कि आदिवासी समाज का संबंध भगवान राम से कितनी गहराई से जुड़ा रहा है। सरकार की माने तो ये रामलीला उन असामाजिक तत्वों के लिए मुंहतोड़ जवाब होगी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम आदिवासियों के आराध्य नहीं है। कौन नहीं करता है, ये तो अभी जो कुछ तथाकथित देशद्रोही लोग हैं जो उनके बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं, और जनजाति समाज तो अनादिकाल से भगवान श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। माँ शबरी उनकी प्रेरणा स्रोत हैं। टंटिया मामा यदि इतनी बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला कर पाए तो माँ काली उनकी साधना का मुख्य केंद्र थी, वो माँ काली के ही साधक थे। इसलिए इस प्रकार की कोई विशेष बात नहीं, जनजाति समाज अनादिकाल से हिंदू था। रामलीला का प्रदेश के करीब 80 से ज्यादा ब्लॉकों में मंचन किया जाएगा। सूत्रों की माने तो अप्रैल महीने में आयोजन हो सकता है। संवाददाता जितेंद्र, शुभम और दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।